नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज हम जिक्र करेंगे नेपाल की सबसे साहसी लड़की के बारे में, जिसका नाम है मुस्कान खातून। जी हां दोस्तों, मुस्कान खातून नेपाल की 15 साल की सबसे साहसी लड़की मानी जाती है और दोस्तों अब इसे कल यानी 8 मार्च को अमेरिका द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप भी नेपाल की इस मुस्कान खातून की कहानी सुनेंगे तो उस पर प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ये नेपाल की सबसे साहसी लड़की बन गई और अब अमेरिका उसे अवार्ड क्यों दे रहा है, पूरी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर प्रकार की खबरें आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं मुस्कान खातून की पावरफुल स्टोरी। तो दोस्तों 6 सितंबर 2019 को मुस्कान के साथ बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी। यानी उस समय मुस्कान केवल 14 साल की थी और वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और दोस्तों एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिसके कारण मुस्कान के एक तरफ का चेहरा, दोनों हाथ, गला, सीना और एक कान पूरी तरह से जल गया और उसको कान को भी काफी नुकसान हुआ। और दोस्तों इस एसिड अटैक के कारण मुस्कान उस समय जिस दर्द से गुजर रही थी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और यह तकलीफ जितनी शारीरिक थी उतनी ही मुस्कान के लिए मानसिक भी थी। और दोस्तों मुस्कान का यह सपना था कि वो आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन एक झटके में उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया। और दोस्तों मुस्कान इस दर्द से जूझ रही थी, फिर भी उसने खुद के अलावा उन लड़कियों के बारे में भी सोचा जो इस दर्द को सहन कर चुकी है और सहन कर भी रही है। यानी जितने भी एसिड अटैक लड़कियों पे हुए हैं उनके बारे में सोचते हुए मुस्कान ने यह फैसला लिया, ये जिद पकड़ी कि मैं उन सभी लड़कियों को न्याय दिलवा कर रहूंगी और सरकार से हम मांग करेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी एसिड अटैक करेगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और लड़कियों को न्याय मिल सके। और दोस्तों मुस्कान ने एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानून और इलाज में होने वाले खर्चे से पीड़िताओं की मदद के लिए उन्होंने सरकार से मांग उठाई और उन्होंने इस संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को एक लेटर लिखा। और दोस्तों मुस्कान बताती है कि पहले नेपाल में एसिड अटैक के खिलाफ कड़ा कानून नहीं था, वहीं पीड़िताओं को भी मदद नहीं मिल पाती थी और मुझे समझ में आया कि एसिड अटैक की जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है, उसे न्याय भी नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने इसे लेकर आवाज उठाने की ठान ली और मुझे लोगों से बहुत सहयोग मिला, घर से लेकर बाहर सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया। और दोस्तों एसिड अटैक मामले को लेकर वो भारत का भी जिक्र करती है। वो कहती है कि हमने भारत में भी ऐसे बहुत से मामले सुने हैं और वहां पर इसके खिलाफ नियम में बहुत सख्ती भी की गई है। नेपाल हो या भारत, हर एसिड अटैक पीड़िता से कहूंगी कि वो हार ना माने और अपनी आवाज जरूर उठाए। और दोस्तों मुस्कान के सपने अब भी कायम है, लेकिन उसके साथ कुछ और उद्देश्य भी जुड़ गए हैं। वो आगे भी जितनी भी लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है, जितनी भी एसिड अटैक पीड़िताओं हैं उनके लिए काम करना चाहती है और उनके ऊपर हमला करने वाले उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और दोस्तों जैसे ही नेपाल की मुस्कान खातून ने आवाज उठानी शुरू की और नेपाल की उन लड़कियों, नेपाल ही नहीं वो तमाम उन लड़कियों के लिए न्याय चाहती थी जिन पर एसिड हमला हुआ है, तो उसके बाद से नेपाल में नया और सख्त कानून बना दिया गया है। दोस्तों इसके बाद सितंबर 2020 में नेपाल में एक नया अध्यादेश पास हुआ जिसके अनुसार अगर किसी लड़की पर एसिड अटैक किया जाता है और उस लड़की की अगर मौत हो जाती है तो अपराधी को उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी और अगर उस अटैक में पीड़िता घायल हो जाती है या फिर उसके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है तो अपराधी को 20 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि उम्र कैद की सजा पहले से भी थी, लेकिन नए अध्यादेश के आने के बाद अपराधी को सजा के तौर पर जितना पीड़ित को शारीरिक नुकसान होता है उसका सारा खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पीड़िता है उसका इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा, ऐसा कानून नेपाल के अंदर बना दिया गया है, वो भी मुस्कान खातून के इस जज्बे के कारण। और दोस्तों इसी के चलते अमेरिका में 8 मार्च को इस अवार्ड का एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन और विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन भी मौजूद होंगे और यह IWOC का 15वां साल है। इस अवार्ड के जरिए दुनिया भर की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शांति, न्याय, मानवाधिकारों, लैंग
लैंगिक समानताओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत करते हुए असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और ऐसा करते हुए वो जोखिम उठाने और त्याग करने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी। इसके अलावा उन्होंने अन्य लड़कियों को भी यह संदेश दिया है कि किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी है और अपनी आवाज उठानी है ताकि सरकार पर इसका असर पड़े। और इसीलिए दोस्तों 8 मार्च को अमेरिका के अंदर नेपाल की मुस्कान के अलावा म्यांमार, श्रीलंका और चीन की भी उन महिलाओं को साहस दिखाने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों नेपाल की मुस्कान खातून 15 साल की छोटी सी उम्र में ही एक बड़ी लड़ाई पर निकल चुकी है एसिड अटैक के खिलाफ। तो दोस्तों एसिड अटैक के खिलाफ लड़ाई में अपना पूरा योगदान देने और साहस दिखाने के लिए नेपाल की मुस्कान खातून को अमेरिका में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज यानी IWOC का अवार्ड दिया जाएगा और उन्हें अमेरिका में सम्मानित भी किया जाएगा। तो दोस्तों नेपाल की इस मुस्कान खातून के अलावा जितनी भी महिलाओं को अमेरिका में अवार्ड दिया जाएगा, मुझे तो उन लड़कियों पर बहुत गर्व हो रहा है। इसके अलावा आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।